मैं संजीव डोगरा फ्रॉम बिजड़ डोगरा कार वैक्सेसरी बिजड़ी मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रदेश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीएम की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पर चर्चा हुई है। ऐसे में प्रदेश में नई बंदिशों के कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण विराम लगाया है। प्रदेश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है, जिसमें नई बंदिशों के जवाब पर सीएम ने कहा कि प्रदेश 2 सालों से बंदिशों का दौर झेल रहा है। ऐसे में प्रदेश की आर्थिकी को भी चलाना है। उन्होंने कहा कि और ज्यादा बंदिशें समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोविड की स्थिति पर चर्चा हुई और होम आइसोलेशन को बेहतर करने को कहा गया है। तीसरी लहर में मामले बढ़े हैं, लेकिन इसमें अधिकतर मरीज घर पर ठीक हो रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में कोविड पर चर्चा होगी। प्रदेश को कोविड काल में आर्थिक नुकसान हुआ है, ऐसे में ज्यादा बंदिशें उचित नहीं है। प्रदेश की आर्थिकी को देखने की भी जरूरत है। वहीं उन्होंने सरकार के कार्यक्रमों में भीड़ के जवाब में कहा कि कांग्रेस को सद्बुद्धि की जरूरत है। आईजीएमसी में नई ओपीडी की जरूरत थी, कोविड काल में इसकी बहुत आवश्यकता है। ऐसे में विपक्ष को समझने की जरूरत है। देखो, वो कोविड के नए वेरिएंट आने के बाद ओमिक्रॉन के पश्चात पूरे दुनिया में कोविड केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और देश में और प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है इन दिनों में। अगर हम हिमाचल प्रदेश का देखें तो लगभग 1800 केसेस से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं, तो वो हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से स्वाभाविक रूप से हमको एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से इस बारे में फीडबैक लिया कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपके प्रदेश में तैयारी की दृष्टि से हैं और क्या क्या। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि जो सेक्रेटरी हेल्थ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी ओर से जो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें ओमिक्रॉन के बारे में डिटेल में बताया गया कि संक्रमण ज़्यादा होगा, ये आप मान करके चलिए, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल में पेशेंट का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि होम आइसोलेशन में ही अधिकांश लोग इसमें ठीक हो रहे हैं। तो अपने हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा महसूस किया कि एडमिशन हॉस्पिटल में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद होम आइसोलेशन में बेहतर मैकेनिज्म उन लोगों के लिए जो संक्रमित हुए उनके ट्रीटमेंट के लिए कर सके, उस पर हमने कल बातचीत की है। और देखिए, आज थोड़ा हम एक बार चर्चा करेंगे। आज भी हमारी हिमाचल के संदर्भ में जो प्रेजेंटेशन है कोविड सिचुएशन पर, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे, निश्चित रूप से बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाने से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। ठीक नहीं होने की वजह मेरा कहने का कि आर्थिक दृष्टि से कोविड के कारण लगातार 3रा साल चल पड़ा, जो बहुत बड़ी क्षति हुई है इकोनॉमी को, और वो मुझे लगता है कि उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ में हमारी इकोनॉमी ज़्यादा प्रभावित ना हो, ये भी बहुत आवश्यक है। आईजीएमसी की देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा और विपक्ष वालों को आपका जिम्मा रहा समझाने का, हमारे से बेहतर आप समझा सकते हैं। इतनी कर बुद्धि उनके पास मुझे लगता है कि भगवान ने दी है कि कोविड की सिचुएशन थर्ड लहर जो हमारे देश में हमारे प्रदेश में आई है, एक एक दिन के 2-2 हज़ार केसेस आ रहे हैं। क्या हमको हॉस्पिटल की एकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं है इस वक्त? इस वक्त हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए हॉस्पिटल में? और बड़ा हॉस्पिटल हमारा शिमला में तो आईजीएमसी है और उसका ओपीडी ब्लॉक वहाँ शिफ्ट करने के लिए हमने कहा कि जल्दी शिफ्ट करो, ताकि जो दूसरे जो पोर्शन जहाँ पर ओपीडी अभी चल रहा है वहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं और बेड कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों की समझ में सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, उन्हें तो यही दिखता है। तो एक औपचारिकता थी, औपचारिकता के तहत हमने किया, लेकिन कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज की ज़रूरत है ये।